सागर बीएमसी से आज कोरोना के 19 मरीजों को लेकर कमिश्नर की उपस्थिति में डिस्चार्ज किया गया। सागर जिले के अलग अलग जगहों से लोग संक्रमित हुए थे। बीएमसी प्रशासन द्वारा बस का इंतजाम करके अपने अपने घर छोड़ा गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी, जिसकी बच्ची मात्र 13 दिन की थी, लेकिन बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज मां की ममता जीत कर कोरोना को हरा कर डिस्चार्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की बायोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार आज फिर 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सागर से चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। निवास कहाँ के रहने वाले? सिवनी, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई थी आपको? ये आई थी हमारी 24 तारीख को। अच्छा, बीएमसी प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधा दी गई आपको? बीएमसी प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधा दी गई आपको? टोटल सुविधा दी, यहाँ पे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। डॉक्टर की सारी हेल्प रहेगी? पूरी है मैडम। आप अच्छा स्वास्थ्य विभाग में, तो कैसे संक्रमण हुई थी? संक्रमण कैसे हुई थी? अब कोई पेशेंट होगा नहीं पता चला ना, हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट आते हैं, कैसे हुए क्या हुए इसका नहीं बता सकते। बीएमसी की क्या सुविधाएं हैं अंदर जाके? बीएमसी की सुविधाएं अच्छी है, बाकी थोड़ी लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम है। हैं तो बहुत ज़्यादा, 5-5-6-6 हैं, लेकिन वो है नहीं, है चालू नहीं। डॉक्टरों का क्या सपोर्ट रहा? डॉक्टरों का बहुत सपोर्ट, पूरे स्टाफ का सपोर्ट रहा, अच्छा। डॉक्टर का जो बिहेवियर है वो अच्छा है सबका।